मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वैकेंसी की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो झारखंड टेट जो इस बार फॉर्म भरे हैं कैंडिडेट जो पेपर देने हैं, जिनको देना है झारखंड टेट, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है, अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपके झारखंड टेट के सिलेबस के बारे में। जो आपका जेटेट का जो सिलेबस जारी हुआ उसके बारे में बात करेंगे कि सिलेबस बहुत ही कठिन आपका टफ है, तो उसको लेके कैंडिडेट धरना प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद अब क्या ये सिलेबस में बदलाव हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हम इसकी ऑफिशियल साइट पे हैं, jack.jharkhand.gov.in। और नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो इसमें देखिए दिया हुआ है झारखंड टेट एग्जामिनेशन 2024 पोर्टल। तो अभी तक जो आपका सिलेबस में बदलाव को लेके कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, लेकिन जो आपका ये चल रहा है अलग अलग जगहों से जो पता चल रहा है वो यही है कि जो आपका सिलेबस है आपका वो NCTE के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। तो उस पे जो अलग अलग जगहों से पता चल रहा वो यही है कि आपका जो सिलेबस है उसमें बदलाव हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई हुई है इसके बारे में। ये एक एक्सपेक्टेशन, एक संभावना है सिलेबस बदलाव को लेके। तो आपको क्या करना है कि जो सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग अभी अपनी तैयारी को जारी रखिए जेटेट 2024 की। अगर जैसे भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है नए सिलेबस के बारे में, सिलेबस जो चेंज होगा उसके बारे में अगर हुआ तो आपको तुरंत सबसे पहले बताया जाएगा। चैनल को जा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।